नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। हाल ही में दूसरे राज्यों से चुरा कर लाए गए ट्रकों के चेसिस नंबर में छेड़छाड़ करते हुए ऐसे ट्रकों के जाली दस्तावेज बनाकर उनका फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन व पासिंग करने का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर अमरावती शहर पुलिस द्वारा अपने स्तर पर शुरू की गई जांच में पता चला है कि बड़े ट्रकों की तरह छोटे मालवाहक वाहनों को लेकर भी इस तरह से फर्जी रजिस्ट्रेशन व पासिंग का खेल चल रहा था। यह जानकारी सामने आते ही शहर पुलिस ने इस गोरख धंधे से जुड़े कई लोगों को अपने निशाने पर लिया, जिसकी वजह से पुलिस की पकड़ में आने से बचने के लिए कई लोग अभी से अंडरग्राउंड होने शुरू हो गए। पता चला है कि ट्रकों से छोटे मालवाहक वाहनों को लेकर किए जा रहे फर्जीवाड़े की जांच करने हेतु बीती रात शहर पुलिस के दल ने ट्रांसपोर्ट नगर परिसर को खंगाल डाला और हर एक ट्रांसपोर्टर के पास रहने वाले तमाम मालवाहक वाहनों की जानकारी भी हासिल की। साथ ही कई वाहनों के दस्तावेज भी संबंधितों से मांगे गए। इसके अलावा पुलिस को इस मामले में सिराज नामक एक व्यक्ति की सरगर्मी से तलाश है, जो इस गोरख धंधे का मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अलग अलग राज्यों से दर्जनों ट्रकों को अमरावती, नागपुर व नई मुंबई आरटीओ में एनओसी व स्थानीय लोगों के नाम से खरीदी दिखाकर नए रजिस्ट्रेशन व पासिंग दिए जाने के मामले में नवी मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस ने अमरावती आरटीओ कार्यालय से एक महिला सहित तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में फरार चल रहे उप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राज बागड़ी को आज हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पूर्व जमानत मिलने की सूत्रों से जानकारी पता चली है। वहीं इस मामले में अमरावती आरटीओ ऑफिस के कर वसूली अधिकारी भी नवी मुंबई पुलिस के राडार पर रहने की जानकारी है। नागपुर के सदर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आलिशान होटल में चल रही पार्टी के दौरान 30 वर्षीय विवाहिता पर डोरे डालने के साथ ही उसका होटल से लेकर उसके घर तक पीछा करने और उस विवाहिता की अपार्टमेंट की लॉबी में उससे नजदीकी साधने का प्रयास करने के मामले में नामजद रहने के साथ ही फिलहाल एमसीआर के तहत नागपुर सेंट्रल जेल में रखे गए अमरावती निवासी राजेश तलरेजा व उसके ड्राइवर सूरज कुरटकर को गतरोज शिकायतकर्ता महिला ने जिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के बीच कराई गई पहचान परेड में पहचान लिया, जिसके बाद नागपुर के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से आज अपनी रिपोर्ट नागपुर जिला व सत्र न्यायालय की विशेष अदालत क्रमांक 6 की सुल्ताना के समक्ष पेश की गई। इन दोनों आरोपियों को अब तक जमानत नहीं दी गई है, साथ ही इन दोनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश इससे पहले ही सुनाया गया है, जिसके चलते उन्हें 15 मई तक नागपुर की सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। बढ़ते तापमान के कारण मुंबई से लेकर अमरावती तक बिजली की मांग बढ़ी है। गत दिनों यह मांग 28,797 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जो आने वाले कुछ दिनों में और भी अधिक बढ़ेगी। वहीं उधर महानिर्मिति के 7 ताप बिजली घरों में भुसावल छोड़कर केवल 15 दिन का कोयला बचा है, जिसे महानिर्मिति को कोयले का प्रबंधन करने हेतु काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि बताया गया है कि कोयले का स्टॉक यद्यपि भरपूर नहीं है, फिर भी रोजाना 110,000 मेट्रिक टन कोयला बिजली उत्पादन केंद्रों में पहुंच रहा है, अर्थात विद्युत निर्मिति को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। परतवाड़ा के सावली परिसर में चल रही शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले ने आज शिव महापुराण कथा के सिलसिले को आगे बताते हुए कहा कि अगर हम सभी लोग जीवन में आए हैं तो हम सभी के भीतर सहनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि सहनशीलता ही मानव जीवन का सार है। इसके साथ ही उन्होंने क्रोध को घर परिवार व आपसी रिश्तों के लिए घातक बताते हुए कहा कि भगवान शिव व पार्वती की तरह सभी दंपतियों ने एक दूसरे को समझना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आज के आधुनिक काल में बेटियों की पढ़ाई लिखाई को बेहद अच्छी बात बताते हुए बेटियों से आह्वान किया कि वे अपने माता पिता को अपना कन्यादान करने का अवसर दें। साथ ही उन्होंने इन दिनों बढ़ते तनाव व अवसाद पर अपनी चिंता जताते हुए कहा कि जिस तरह घर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कमरे होते हैं, उसी तरह हमने अपने दिमाग व घर में कंट्रोल रूम भी रखना चाहिए, ताकि अपने आप को कंट्रोल किया जा सके। इस समय उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम अच्छा चित्र देखेंगे तो हमारा चरित्र भी अच्छा बनेगा। शिव महापुराण कथा के विभिन्न प्रसंगों को सुनाने के साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले ने भावी श्रद्धालुओं द्वारा भेजे गए पत्रों के जरिए भक्तों के अनुभवों को भी उपस्थितों के समक्ष विशद किया। मध्य रेलवे ने नागपुर दादर के बीच दशकों से चल रही सेवाग्राम एक्सप्रेस से भी शयनयान कोच की संख्या घटाकर 4 कर दी है। उसके स्थान पर एसी थर्ड के कोच बढ़ा दिए गए हैं। पहले इस ट्रेन में स्लीपर कोच की संख्या 12 थी, जिसमें से 8 कोच को हटा दिया गया है। रेलवे का कहना है कि यात्रियों को सुरक्षित व सुविधापूर्ण सेवा देने हेतु यह कदम उठाया गया, वहीं सामान्य रेल यात्रियों ने इसे रेलवे की लूट करार दिया। सस्ती और शीघ्र माल ढुलाई के लिए रेलवे को सभी पसंद करते हैं, इसीलिए धामनगांव का गुड शेड बंद होने से पहले ही रेलवे ने नया पर्याय वर्धा जिले के देवली में दिया है। यवतमाल नांदेड़ रेल लाइन पर देवली स्टेशन पर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण गुड शेड शुरू होगा, जिससे यवतमाल में और भी अधिक जल्दी माल पहुंचेगा। विगत कुछ दिनों से तापमान लगातार ऊंचा उठता जा रहा है और शरीर को झुलसा देने वाली तेज धूप और भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में आज बदरीला मौसम बनने की वजह से तापमान में काफी हद तक राहत मिली और 43 डिग्री से ऊपर चल रहा तापमान आज लुढ़क कर 42.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर आ गया। मौसम विज्ञानी अनिल बंड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक तापमान में इसी तरह की कमी बनी रहेगी। साथ ही मौसम बदरीला रहने की वजह से यद्यपि गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उमस के बढ़ने की पूरी संभावना है। इसके अलावा 8, 9 व 10 मई को शहर से जिले में कई स्थानों पर हल्के व मध्यम स्तर की बारिश होने के साथ ही कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने के भी आसार हैं। जिलाधीश सौरभ कटियार ने सोमवार को राजस्व भवन में बिलोरा विमानतल के विकास कामों की समीक्षा करने के साथ ही सभी संबंधितों से आपसी तालमेल रखते हुए समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। इस बैठक में महाराष्ट्र विमान विकास प्राधिकरण की प्रबंध संचालिका स्वाति पांडे भी उपस्थित थी।
अपनी आक्रामक शैली वाले आंदोलन के कारण हमेशा ही चर्चा में रहने वाले विधायक बच्चू कड़ू कल सोमवार 6 मई को अचानक जिला परिषद में पहुंचे। विधायक के वाहनों का काफिला देखकर जिला परिषद प्रशासन में अच्छी खासी खलबली मच गई। वहीं विधायक बच्चू कड़ू ने जिला परिषद के सीईओ कक्ष में पहुंचकर सीईओ के साथ 20 मिनट तक बंद द्वार चर्चा की, जिसे लेकर अच्छी खासी चर्चाएं चल रही हैं। अमरावती शहर में प्रत्येक इमारत व मकान के मुख्य प्रवेश द्वार की दीवार पर एक QR कोड चिपकाया गया है, जिसे लेकर नागरिकों में अच्छी खासी जिज्ञासा बढ़ गई थी। शहर में सफाई पर निगरानी करने के लिए यह QR कोड लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। महानगर पालिका पर ठेकेदारों के 4-5 माह से करोड़ों रुपए के बिल बकाया होने के चलते अब उनका सब्र टूट रहा है और ठेका कर्मचारी कभी भी हड़ताल पर जा सकते हैं। ठेकेदार एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि आयुक्त पवार छुट्टी पर हैं तथा ऑडिटर देव भी मिलने के लिए समय नहीं दे रहे। वहीं अतिरिक्त आयुक्त महेश पवार ने ठेकेदारों से भेंट की तो उन्होंने 1-2 दिनों में बिलों का नियोजन करने की बात कही। लोहाना महिला मंडल द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि मंडल की नई कार्यकारिणी का पदग्रहण समारोह आगामी मंगलवार 14 मई को रखा गया है। इसके अगले ही दिन महिलाओं के लिए 2 दिवसीय बहुउपयोगी कार्यशाला का आयोजन बूटी प्लॉट स्थित लोहाना महाजन वाड़ी में किया गया है, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर नीता मुंडला मार्गदर्शन करेंगी, साथ ही विदर्भ की प्रसिद्ध शेफ नेहा राजा रसोई की नई डिशेज सिखाएंगी। श्री लोहाना महिला मंडळची अध्यक्ष सरला तन्ना आणि 14 तारखेला आमच्या नवे कार्यकारिणीचं पदग्रहण आहे आणि 15 आणि 16 रसोई आणि फ्रेश फ्लावर ज्वेलरीचं कार्यक्रम घेणार आहे आम्ही कार्यशाला। तिथे सगळ्या लेडीजने तिथे ओपनमध्ये ठेवलेलं आहे आणि शुल्क फक्त त्याचे 250 रुपये आहे। तर माझी आपली सगळ्यांना विनंती आहे की लवकरात लवकर त्यांची जास्तीत जास्त संख्येने या क्लासेसचा उपयोग घ्यावा। हर साल की तरह इस वर्ष भी बुद्ध पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में मेलघाट की आसमान छूती पहाड़ियों के कोर क्षेत्रों में मेलघाट वन्यजीव विभाग द्वारा कृत्रिम जलकुंडों से सटे बनाए जा रहे मचानों पर बैठकर प्राणी मित्रों द्वारा वन्य प्राणियों की गणना करवाई जाएगी, जिसके लिए मेलघाट वन्यजीव विभाग की ओर से सभी कृत्रिम जलकुंडों के निकट जंगलों की लकड़ियों से ऊंचे ऊंचे मचान का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र अंतर्गत खड़ीमल ग्राम पंचायत में विगत कई दिनों से जल किल्लत की भीषण समस्या चल रही थी, जिसके चलते वहां पर 14 टैंकरों के जरिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा था। विगत कई वर्षों से चली आ रही समस्या को देखते हुए मेलघाट क्षेत्र की भाजपा नेत्री ज्योति सोलंके ने खड़ीमल ग्राम पंचायत में आयोजित बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी के साथ खड़ीमल के जल किल्लत की समस्या का समाधान निकाला और अतिरिक्त जलापूर्ति उपलब्ध कराने की व्यवस्था करवाई। अमरावती संसदीय क्षेत्र में हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के तहत मतदान प्रक्रिया में दिव्यांग मतदाता जनजागृति के लिए PWD स्वतंत्र नोडल अधिकारी के रूप में उपायुक्त जया राउत के अधीनस्थ सहायक मॉडल अधिकारी के तौर पर राजन जाधवर, PD शिंदे, पवन साबले, उपायुक्त जया राउत की टीम ने शानदार काम किया, जिसके लिए जिलाधीश सौरभ कटियार ने इस टीम का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। नासिक के भगूर में हुई वरिष्ठ राज्य स्तरीय ग्रीको रोमन कुश्ती स्पर्धा में हनुमान अखाड़े के अनुज सारवान ने 63 किलो वजन गुट में स्वर्ण पदक जीता। अनुज सारवान का फाइनल मुकाबला सातारा के पहलवान से हुआ था। विदर्भ कुंभार समाज सुधार समिति की ओर से संत गोरवा काका की 707वीं पुण्यतिथि पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके उपलक्ष्य में महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। 2 दिन बाद अक्षय तृतीया का अंबुजा मुहूर्त रहने से सराफा से लेकर घरेलू उपकरण, ऑटोमोबाइल व प्रॉपर्टी बाजार को अच्छी ग्राहकी की उम्मीद है। सराफा के जानकारों के मुताबिक भाव में तेजी के बावजूद मुहूर्त की खरीदारी अच्छी होगी। वहीं अन्य मार्केटों में भी अच्छी खासी हलचल देखी जा रही है। गाड़गी नगर पुलिस थाने के DB स्क्वाड के इंचार्ज PSI अजय ढाकुलकर को इंचार्ज पद से हटा दिया गया है और उनके स्थान पर नागपुर से हाल ही में तबादला होकर आए मोहन केवटी को प्रभार सौंपा गया है। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज सुबह अपने मातहत विशेषकर अपराध शाखा के दोनों यूनिट के अधिकारियों और कर्मचारियों की मीटिंग लेकर शहर में बढ़ रहे संगीन अपराधों की समीक्षा की। पता चला है कि CP रेड्डी ने अपराध शाखा में काम कर रहे अधीनस्थों को परफॉर्मेंस दिखाने अथवा अपराध शाखा से हटा दिए जाने की स्पष्ट चेतावनी दी। सिटीलैंड स्थित होलसेल कपड़ा व्यापारी से उसके वसूली एजेंट सागर रोहिला ने 1,91,000 रुपए की धोखाधड़ी की। शिकायत में कहा गया कि सागर रोहिला ने अपने मालिक को मोबाइल फोन पर मैसेज भेजा कि वह एक लड़की के साथ भाग रहा है और 7-8 दिन बाद आकर बात करेगा। नागपुर में आयोजित अपने रिश्तेदार की शादी के स्वागत समारोह के लिए दुपहिया से जाते समय राजूरा से वडाला मार्ग पर मोटरसाइकिल को एक मालवाहक वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इस दुर्घटना में घायल दंपत्ति में से पत्नी की मौत हो गई, वहीं पति गंभीर रूप से घायल हुआ। यह हादसा वरुण तहसील के बेनोड़ा थाना क्षेत्र में घटित हुई। मृतक महिला का नाम सारिका तट्टे बताया गया है। राजापेट थाना क्षेत्र के भटवाड़ी श्रीधर नगर में मेंढे परिवार के यहाँ चोरों ने सेंध लगाकर लाखों रुपए का माल पार कर दिया। घटना के वक्त घर के लोग किसी काम से बाहर गए थे। राजापेट पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अमरावती शहर में आज आत्महत्या की 2 घटनाएं सामने आई। बडनेरा यूनिवर्सिटी मालीपुरा में 23 वर्षीय प्रज्वल लांडे नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी घटना राहड़गांव यूनिवर्सिटी में घटित हुई, जहां पर प्रणय राउत नामक युवक ने शराब के नशे का आदि होकर दुपट्टे से फांसी लगा ली।
सोने के आभूषण चमकाकर देने के नाम पर गृहिणियों को लूटने वाला गिरोह शहर में एक बार फिर सक्रिय हो जाने की खबर है। मुदलिया नगर में एक गृहिणी को दो चोरों ने गहने चमकाकर देने के नाम पर उनकी 11 ग्राम सोने की चेन और 4 ग्राम की बादामी अंगूठी लूट ली। दरियापुर तहसील के इटकी फाटा के पास शिव महाराज मंदिर के निकट झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव रविवार की रात बरामद हुआ। मृतक व्यक्ति के सिर पर काफी गहरे जख्म के निशान पाए गए। मृतक महिला के नाम पर प्लॉट के फर्जी दस्तावेज बनाकर परस्पर बिक्री करने के मामले में गाड़गनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए स्वप्निल महल्ले व बाबूराव लखले नामक दोनों आरोपी ब्रोकर के घर की आज पुलिस के दल ने तलाशी ली, लेकिन दोनों के घर से आज कुछ भी बरामद नहीं हुआ। सीपी रेड्डी के नेतृत्व में काम करने वाले सीआईयू पदक ने बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती के आठौड़ी बाजार में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारा, जहां पर जुआ अड्डा चलाने वाले रिज्जू कुरैशी सहित 5 आरोपियों को वर्ली मटका व जुआ साहित्य के साथ गिरफ्तार किया गया। फिजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने पति से अलग रहने वाली 23 वर्षीय विवाहिता को अपने प्रेम जाल में फंसने के साथ ही उसे विवाह का झांसा देकर गर्भवती बना देने के मामले में पुलिस ने कल्याण नगर में रहने वाले सौरभ घरडे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। वरुड़ पुलिस ने बूचड़खाने में कटाई के लिए महिंद्रा पिकअप वाहन में ले जाए जा रहे 3 गोवंशों को रविवार की दोपहर 2 बजे के आसपास सुरक्षित छुड़ाया और तीनों गोवंशों को जीवनदान देकर वाहन सहित 6.25 लाख रुपए का माल जब्त किया। पुलिस द्वारा वाहन को रुकवाए जाने के बाद वाहन चालक अपना वाहन छोड़कर भाग निकला। भातकुली दरियापुर मार्ग पर थिलोरी गांव के निकट तेज रफ्तार कार चालक का नियंत्रण अपने वाहन से छूट गया। इस हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हुए। यह घटना 5 मई के दोपहर 3 बजे के आसपास घटित हुई। अकोला में गोरक्षण रोड के सहकार नगर में रहने वाले उद्योगपति बिजमोहन भरतिया के बंगले में हुई 44 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस को महज 48 घंटे के भीतर सफलता प्राप्त हुई। पुलिस ने अहमदनगर जिले से जिगर पिंपले को धर दबोचा, वहीं अन्य आरोपियों की खोजबीन की जा रही है। यवतमाल जिले की नेर तहसील में आने वाले ब्राह्मणवाड़ा में 55 वर्षीय महिला किसान माला ठाकरे ने कर्ज तले डूबे रहने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। नांदुरा शहर के निकट शिवशंकर नगर में जलगांव जामोद रोड पर विगत रविवार की रात 1 बजे घटित सड़क हादसे में दुपहिया पर जा रहे 2 युवकों को पीछे से आ रहे एक वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। जलगांव जामोद के वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय अंतर्गत कार्यालय में काम करने वाले वनपाल शेख कलीम शेख बीबन को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दल ने 10,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस वनपाल ने जलगांव जामोद के वन क्षेत्र में अवैध तरीके से सलाई गोंद जमा करने वाले व्यक्ति से उसके खिलाफ दर्ज मामले को कमजोर करने के लिए रिश्वत मांगी थी।